आज के दौड़ भाग के जिंदगी में इंसान इतना तनाव में रहने लगा है कि इंसान डिप्रेशन में जाने लगा है, जिससे इंसुमिनिया, ब्लड प्रेशर जैसे ही कई सारी बीमारियां आते जा रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली में मानसिक दबाव से दिमाग पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम खुद में एकाकी महसूस कर मानसिक रोगों के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। लेकिन कई अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि म्यूजिक सुनने से हमारा दिमाग रिलैक्स मोड में चला जाता है, जिससे दिमाग के सेल्स को आराम मिलता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर इंसान संगीत का सहारा लेता है तो चिंता, डिप्रेशन, टेंशन के लेवल को कम कर सकता है। अगर आप अपने पसंद का म्यूजिक या गाना सुनते हैं तो आपका मूड, मिजाज खुश रहता है और इससे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। रोजाना म्यूजिक करीब 20 से 30 मिनट सुनने से हमारा अकेलापन, वह तनाव भी दूर होता है। अगर आपका मन पढ़ाई करते समय एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है तो आप जब पढ़ाई करने बैठें तो धीमी आवाज़ में बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर लगा लें। ऐसा करने से आपका मन हजार जगहों से हटकर सिर्फ पढ़ाई में मन लगा रहता है और इससे फोकस भी बढ़ता है। एक रिसर्च से यह पता चला है ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ाई करते समय म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, खासकर जब आप मैथ बनाएं तो धीमी आवाज़ में ज़रूर बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लें। लाइफ हैक मैगजीन के मुताबिक महान भौतिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी म्यूजिक सुनना पसंद करते थे। उनका मानना था कि अगर वह भौतिकी वैज्ञानिक नहीं होते तो वे जरूर म्यूजिशियन बनते। संगीत का असर हमारे तन और मन दोनों पर पड़ता है, इसलिए जब भी समय मिले संगीत जरूर सुने। उम्र के साथ आपका दिमाग तेज ही होगा, क्योंकि संगीत से दिमाग की कसरत होती है। इसी वजह से आजकल अस्पतालों में भी संगीत का सहारा लिया जाता है, क्योंकि देखा गया है कि जिन मरीजों को संगीत सुनाया जाता है उनके स्वस्थ होने में समय कम लगता है। रोज के 30 मिनट संगीत सुनने से हमारा तनाव एवं अकेलापन दूर होता है। इसलिए तो टी सीरीज के 100 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, क्योंकि संगीत सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि यह एक प्रकार की दवा है। तो दोस्तों, यह थी म्यूजिक से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।